आधे प्राइस से भी कम में आपको मसाजर वाली गाड़ी मिल रही है। चलते चलते मसाज दे सकते हैं गाड़ी में। ओके okay. गाड़ी का एक क्लिक कर दिया मैंने, देखिए दरवाजा इसका अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो गया। 13,000 चली हुई ऑडी A4 है तो आपको मिल रही है आधे से भी कम में विद इंश्योरेंस ट्रांसफर सब कुछ करा के। एजेंसी से पूरा इंजन नया पड़ा है, 19 मॉडल की SX ऑप्शनल, पुश बटन स्टार्ट। गाड़ी देख लीजिए अंदर से कितनी नीट एंड क्लीन है। मात्र 13,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। गाड़ी लड़ी बड़ी नहीं होगी, मीटर बैक ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। 2022 दिसंबर की गाड़ी है। 6,80,000 में आपको ये गाड़ी चमचमाती एकदम। प्रीमियम गाड़ी चाहिए तो इस ब्लॉग पे फॉलो कर लीजिए, ऐसे ही प्रीमियम गाड़ियां दिखाएंगे एकदम शानदार, जिन पे आपको ट्रांसफर अंसफर कुछ भी नहीं कराना है, एकदम शानदार नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन की गाड़ी। ऑडी खड़ी हुई है उस साइड, देखेंगे BMW खड़ी है, पीछे साइड वोल्वो खड़ी हुई है, X1 है, बहुत सारी गाड़ियां, फोर्ड की एंडेवर खड़ी हुई है। ये एक झलक देख लीजिए, बाकी गाड़ियों की क्वेरी आप लोग कर सकते हैं। अगर वीडियो में इन गाड़ियों को हम कवर नहीं कर रहे हैं तो ये ना सोचिए ये गाड़ियां नहीं है, ये भी अवेलेबल हैं, सारी गाड़ियां हैं। फिलहाल आज प्रीमियम गाड़ियां और वैगनार से लेके और जो बाहर गाड़ियां खड़ी हैं वो दिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यहाँ के प्राउड ओनर को बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमेशा की तरह हमें मोटिवेट किया वो डिस्प्ले पर आपके सामने ये रहे। काशिक जी वेलकम टू एस ब्लॉग, अपनी फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली सभी को हाय करिए। हेलो एवरीबॉडी, आप सब लोग कैसे हैं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने धमाका किया था, स्कॉर्पियो एन, अल्टुरस G4, फॉर्च्यूनर, उसके अलावा अल्काज़ार, सारी ही गाड़ियां दिखाई थी जी। इस वीडियो में भी फॉर्च्यूनर का कॉम्पिटिटर जो असली था वो भी खड़ा हुआ है, फोर्ड एंडेवर। हम लोग UP 32 में ही डील करते हैं, 32 में आप लोग को कहीं लग्जरी गाड़ी ना मिल रही हो काशिफ जी के पास आइएगा, मेट्रो कार सेल पे आपको हर गाड़ी ऑलमोस्ट मिल जाएगी लग्जरी सेगमेंट की ना जी हाँ। और अगर नहीं हुई तो एक आप महीने का टाइम दे दीजिएगा, अवेलेबल करा से जल्द अरेंज करा देंगे। तो पहली गाड़ी वोल्वो से ही शुरू कर रहे हैं, सबसे सेफ्टी प्रायोरिटी है इनकी, क्लासी अलग है सेफ्टी में ना, बिल्कुल क्लासी ही अलग है इसका तो वोल्वो का। तो शुरू कर रहे हैं पहली गाड़ी इसी वोल्वो से, क्या डिटेल है, कौन सा वेरियंट है, कौन सा मॉडल है, सब कुछ डिटेल बताएं जरा। 2019 मॉडल की है वोल्वो की XC90, सबसे जो कहते हैं सेफेस्ट कार, बहुत मजबूत, इंजन से भी मजबूत, बॉडी से भी मजबूत, और इंटीरियर बड़ा सुंदर गाड़ी का, बढ़िया स्टीरियो सिस्टम गाड़ी के अंदर। ओके, सेवन सीटर। ओके, इसके तो सीट्स में मसाजर्स एंड ऑल सब मिलेंगे आपको। आइए जरा हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि जल्दी हम लोग दिखाते नहीं हैं। आप जो भाई साहब कह रहे हैं आप उस साइड देखिएगा, मेमोराइज सीटें और ये सब तो होते ही हैं, मसाजर भी है, ये साइड सीटों पर मसाजर हैं लगे हुए हैं जी हाँ। ज़्यादा ड्राइव कर लीजिएगा तो थोड़ा सा कहीं रोकिएगा, मसाज लीजिएगा, उसके बाद गाड़ी में चलते चलते मसाज दे सकते हैं गाड़ी में। ओके, लीजिए ये सारे फीचर आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, और प्राइस अभी सुनिएगा आपको मज़ा आ जाएगी प्राइस सुन के। फीचर लोडेड गाड़ी है, बाकी सब कुछ है, वोल्वो है तो आप लोग नाम ही इसका काफ़ी है। XC90 टायर हम लोगों ने डलवाए, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर डाले गाड़ी में, और टायर भी ब्रिस्टन के पड़े हुए हैं ब्रांड न्यू। 19 मॉडल, 2019 मॉडल, फर्स्ट एरियन इंस्क्रिप्शन वेरिएंट है गाड़ी का। ओके, डीजल में ऑटोमेटिक। माइलेज बता दे। माइलेज आपको सिटी में 10 वर्ष के आसपास देगी, हाईवे निकालेगी 12 से 15 के बीच में निकाल देगी इतना जी। अब जरा बताएं हम लोग कितने में नई गाड़ी ये आ रही थी, अभी कितने में हम लोग गाड़ी, अप्रॉक्सीमेटली 1,10,00,000 रुपए के आसपास है। मेरी जो डिमांड प्राइस है इस गाड़ी की वो 58 की है, इसको 52-53 के आसपास मैं फाइनलाइज इसको कर दूंगा, 52-53 में क्लोज कर लेंगे। आधे प्राइस से भी कम में आपको मसाजर वाली गाड़ी मिल रही है और कुछ ही साल पुरानी, ऐसा डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस में भी नहीं होगा, IDV इसकी ज़्यादा ही। मात्र 35,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। ओके, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है एकदम, जो लेने वाला होगा एक बार में लेके जाएगा ऐसी गाड़ी है। जल्दी से आ जाए हम लोग इस गाड़ी की डिटेल दें। BMW की X5 कौन सा मॉडल है, 2018 का मॉडल है गाड़ी का, ये गाड़ी चली है 62,000 किलोमीटर, ऑटोमेटिक डीजल, ये DPE वेरिएंट कहलाते हैं। इन गाड़ियों में सॉफ्ट डोर क्लोज का सिस्टम होता है, अगर आप इसको देखना चाहते हो मैं आपकी वीडियो में शेयर कराता हूँ, काशिफ जी समझाएंगे DPE का मतलब क्या होता है। बस ये होता है जैसे गाड़ी का हमने केवल एक क्लिक पे हमने दरवाज़ा यहाँ छोड़ दिया, अभी गाड़ी के दरवाजे इसका अपने आप देखिए लॉक हो गया। ओके, तो ये फीचर फिर से जरा आप एक बार दिखा दें, जैसे मैंने आपके गाड़ी का एक क्लिक कर दिया मैंने, देखिए दरवाज़ा इसका अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो गया, ठीक है, डोर क्लोजर है क्लोजर। ये सारे फीचर आपको BMW X5 खड़ी हुई है मिलेंगे,
गाड़ी बड़ी हैवी है, फाइव सीटर है, फाइव सीटर होती है। पीछे का बूट स्पेस बहुत बढ़िया है, अगर आप लोग पांच लोग जा रहे हैं तो प्रॉपर अपनी ट्रॉली बैग से लेके सब कुछ सामान फिट कर सकते हैं, ऐसी है फाइव सीटर। पैनारोमिक सनरूफ है, पैनारोमिक सनरूफ है गाड़ी में। ओके, बाकी इसमें वेंटिलेटेड सीटें रहती हैं? वेंटिलेटेड सीट्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं है जी। ठीक है, बाद में आई है। अब ये कौन सा मॉडल है? 2018 में इसका जरा ड्रिवन बता दे एक बार। ये 62,000 ड्रिवन है, फर्स्ट ओनरशिप पे है गाड़ी। ओके, 18 मॉडल 62,000 चली, फर्स्ट ओनर BMW X5 वाइट कलर, लखनऊ नंबर, नहीं कानपुर नंबर की है। कानपुर है, चलिए कानपुर नंबर है। अब कानपुर है, उद्योगपति की नगरी है, तो महंगी गाड़ियां वहां रहती ही रहती हैं। कितने में ये नई आ रही थी, हम कितने ये नई गाड़ी भी अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ रुपए के आसपास आ रही थी। मेरी जो डिमांड प्राइस इस गाड़ी की है वो 48 की है, अराउंड 42-43 के आसपास। मैं ये भी इसको सर्विस इस गाड़ी की, इंश्योरेंस वैलिड है गाड़ी का, अगले साल तक के गाड़ी का, ये सब कम्प्लीट करवा के दे दूंगा मैं। ठीक है, 42-43 के बीच में क्लोज कर सकते हैं? हाँ, क्लोज कर सकते हैं विद पेपर वर्क। ओके, विद ट्रांसफर, इंश्योरेंस अगर किसी भी गाड़ी में नहीं है तो इंश्योरेंस करा के देंगे। और अब आ जाते हैं ऑडी की A4 है, ऑडी की A4 है। ऑडी A4 का जो नया वेरिएंट आया था, नया मॉडल वाली, ये वो गाड़ी है। ठीक है, जिसमें लाइटें हल्का हल्का चेंज हुई थी, कुछ फीचर चेंज हुई थी, बोनट चेंज हुआ था, चीज़ें अंदर, इंटीरियर काफ़ी चेंज है गाड़ी का, इंजन भी अपग्रेड किया था लोगों ने। गाड़ी ऑडी की A4, ऑडी की सबसे ज़्यादा हमको लगता है डिमांडेड सेडान है, सबसे ज़्यादा डिमांडेड सेडान। ये बहुत ही ट्रबल फ्री गाड़ियाँ होती हैं, बहुत कम मेंटेनेंस होती है इन गाड़ियों की। मेंटेनेंस भी हमें लगता है 20-22 हज़ार रुपये में आराम से। अगर आप एजेंसी कराते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 22-25-30 हज़ार रुपये के आसपास, अगर आप बाहर कराते हैं तो 10-15 हज़ार में भी हो जाते हैं जी। ओके, गाड़ी आप लोग अंदर से देख लीजिए, गाड़ी में किसी तरीके की जो भी है, गाड़ी ये पूरी स्टॉक है ना हम लोगों ने, स्टॉक है पूरी। और सबसे बड़ी खास बात इस गाड़ी की ये है कि मात्र 13,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। 13,000 जी, सिर्फ 13,000 किलोमीटर, सिर्फ 13,000 चली हुई ऑडी A4 है, सिर्फ 13,000 चली हुई, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक डीजल S-लाइन, S-लाइन, ठीक है, सिर्फ 13,000 चली हुई ऑडी A4 है, 2019 की। फर्स्ट ओनर होगी? फर्स्ट ओनर, लखनऊ नंबर। 13,000 चली हुई फर्स्ट ओनर 19 मॉडल ऑडी A4 कितने में देंगे और नई कितने में आ रही है? नई गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली, अब तो पेट्रोल ही आती हैं, डीजल आना बंद हो गई हैं। जिनको डीजल में माइलेज अच्छा चाहिए उनके लिए एक ही पीस है, क्योंकि या तो ये है या शोरूम पे 13,000 चली गाड़ी नहीं मिलती है। तो ये नई गाड़ी उस टाइम पे आपके अप्रॉक्सीमेटली 55-60 के आसपास रही होगी, जिसके डिमांड प्राइस मेरे यहाँ पे 32 की है। मैं 30 के अराउंड विद न्यू इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग करा के दे दूंगा गाड़ी का। ठीक है, बाकी एक भी काम नहीं है गाड़ी, आप लोग देख रहे होंगे किस तरह चमक रही है। पे छोटा सा माइनर सा स्क्रैच है यहाँ पे, यहाँ पर क्योंकि ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, मैंने वो करवाया नहीं है। अगर जो लेगा उसको कहेगा तो मैं उसको करवा के दे दूंगा। ठीक है, बाकी गाड़ी लड़ी बड़ी नहीं होगी, मीटर बैक ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। X5 दिखाया है, उसकी छोटी बहन या छोटा भाई कह लीजिए, X1 भी खड़ी हुई है, क्या चीज़ एक्स्ट्रा इसमें है और कितना पैसा बच सकता है अगर सेम क्लास में जाना चाहते हैं तो? ये 2019 मॉडल की गाड़ी है, लखनऊ नंबर की है, फर्स्ट ओनर है, गाड़ी चली है 69,000 किलोमीटर। 69, डीजल पे क्या माइलेज इसका रहता है? डीजल पे माइलेज इसका आपका 18-20 का रहेगा, हाईवे पे माइलेज के मामले बहुत अच्छी होती है। शहर में 15 के आसपास, शहर में 12-15 के बीच में। लखनऊ नंबर ये गाड़ी है, 4546 नंबर है, गाड़ी शानदार है, सनरूफ इसमें भी पैनारोमिक का, पैनारोमिक सनरूफ है इसमें भी। ठीक है, वाइट कलर ये भी है, 2019 BMW X1 चली हुई, 69,000 कितने में ये हम लोग दे रहे हैं? इसकी डिमांड प्राइस मैं अपने 25.5 ही कर रहा हूँ, 2350 की गाड़ी दे दूंगा, जिसमें नया इंश्योरेंस, गाड़ी की सर्विस और जो छोटी मोटी कमी होगी सब कम्प्लीट करवा के दूंगा। ठीक है, ये भी 50 के आसपास थी? हाँ, ये भी 50 के आसपास होगी गाड़ी। ठीक है, तो आपको मिल रही है आधे से भी कम में विद इंश्योरेंस ट्रांसफ़र सब कुछ करा के, टायर वायर डलवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गाड़ी में मीटर बैक नहीं होगा। कशिप जी आइए, हम लोग दिखा देते हैं, पिछली बार हम लोगों ने फॉर्च्यूनर दिखाई थी, अब आ जाते हैं हम लोग फोर्ड की एंडेवर पे, जल्दी मिलती नहीं है, मिस कर रहे हैं लोग, हम लोग मिस करने नहीं देंगे। ये दुबी 2019 मॉडल की एंडेवर है, 2.2 टाइटेनियम वेरियंट है गाड़ी का। ठीक है, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, ऑटोमेटिक डीजल है ये। ठीक है, 2.2 में माइलेज इसका अच्छा था? माइलेज इसका अच्छा रहता है, 3.2 में माइलेज कम है इसके, लेकिन 2.2 में माइलेज बहुत बढ़िया, चलती भी अच्छी है, माइलेज भी बढ़िया गाड़ी का, मतलब पिकअप भी मतलब बहुत बढ़िया। ऐसा इन लोगों ने मतलब सेटिंग बना रखी होती है, इंजन 1000 cc भी कम है लेकिन पावर पिकअप में आपको कमी नहीं मिलेगी। आप लोग रिव्यू भी दे सकते हैं, 2.2 के जो भी ओनर हैं कैसा रिव्यू देते हैं। फिलहाल अपने पास वाइट कलर की खड़ी हुई है, 2019 मॉडल की, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। कोई पेंट जॉब हमने कराया? पेंट जॉब माइनर बम्पर्स होंगे पेंट पास। ठीक
ठीक है, चली कितना बताया आपने? चली है 1,30,000। ये तो बहुत बड़ी बात इनके लिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, इस गाड़ी में एक मिसहैपनिंग हो गई थी। मैं खुल के बताता हूँ, कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ लोगों से। 98,000 पे इस गाड़ी का फैन बेल्ट टूटने के कारण इंजन सीज हो गया था इस गाड़ी का। एजेंसी से पूरा इंजन नया पड़ा है इस गाड़ी में, तो इसका मतलब लाइफ तो अभी कुल अपनी जो जी है इसने तो मात्र 30,000 किलोमीटर के आसपास की जी है। तो इंजन बिल्कुल ब्रांड न्यू है गाड़ी का भी, ब्रांड न्यू है। अब वारंटी में है इसीलिए सब चेंज हुआ होगा। अभी भी वारंटी ऑलमोस्ट एक तरीके से रहती है और गाड़ी ये 4-4 लाख किलोमीटर तो इजिली चलती है। हाँ, ये ड्राइवर की थोड़ी सी गलती रही जिसने फैन बेल्ट के टूटने पर ध्यान नहीं दिया और चलाता रहा, उसकी वजह से ये गड़बड़ हुई। ठीक है, कितने में ये गाड़ी हम दे रहे हैं? ये गाड़ी की डिमांड प्राइस तो मेरी 28 की है, मैं 25 के अराउंड कहीं पर भी गाड़ी की शॉप कर लूँगा। ठीक है, ये लखनऊ नंबर गाड़ियां हैं, फर्स्ट ओनर गाड़ियां हैं, इनके प्राइस बाहर से कंपेयर मत करिएगा। यहाँ की गाड़ियां एक बार चला लीजिएगा, वहाँ की चला लीजिएगा, फिर प्राइस कंपेयर कर लीजिएगा। और ये 19 मॉडल की बटन स्टार्ट वाली है। बहुत सारी गाड़ियां हैं, पहले वैगनार कवर कर लें वरना आप लोग कहेंगे कि सुजुकी दिखाई नहीं रहे या कम बजट की गाड़ियां नहीं दिखा रहे हैं। रखते सभी तरह की गाड़ियां हैं, जो जल्दी हम कहीं नहीं दिखा पाते वो यहां दिखाते हैं। फिलहाल वैगनार 23 मॉडल 2022 मॉडल की गाड़ी है, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है गाड़ी का। फर्स्ट ओनर। चलिए कितना होगी अप्रॉक्स? ये अप्रॉक्सीमेट चलिए 41,000। VXI है ये जो आप हम ये देख रहे हैं, ये सब लगा हुआ है, ये अलग से ये सब फैक्ट्री फिटेड है। फैक्ट्री फिटेड है जी। ओके, फैक्ट्री फिटेड है। LXI है? VXI VXI में अभी नई वाली में आने लगा टच स्क्रीन? हाँ नहीं, ये टच स्क्रीन तो अलग से लगवाया हुआ है इसमें। अलग से लगवाया जी। ठीक है, तो अलग से लगवाया गया, बाकी कोई लड़ी बड़ी नहीं? लड़ी बड़ी गाड़ी कोई नहीं, एक्सीडेंटल गाड़ी बेचते नहीं, मीटर बैक गाड़ी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, 1.5 लाख चली हुई। अभी आपको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्रेजा दिखाई। कितने में ये गाड़ी हम लोग दे देंगे? 22 मॉडल VXI फर्स्ट ओनर गाड़ी, ये 5.5 की डिमांड है, 5 लाख रुपए के अराउंड इस गाड़ी की डील हो जाएगी। ठीक है, प्योर पेट्रोल गाड़ी है, CNG होगी तो बता देंगे, है ना? CNG नहीं, पेट्रोल है ये। अब आ जाते हैं इस साइड, अपने पास खड़ी हुई है नई वाली i20, बहुत सारे लोगों को पसंद आती है ये गाड़ी। खड़ी हुई है, स्लीक डिज़ाइन है, कैसी गाड़ी है? 2022 दिसंबर की गाड़ी है, गाड़ी चली मात्र 27,000 किलोमीटर, स्पोर्ट्स वेरिएंट है गाड़ी का। पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल ही आती है गाड़ी, अब डीजल आना बंद हो गई है। ये वाले शेप में मतलब पेट्रोल ही आई है? डीजल स्टार्टिंग में आया था लेकिन अब नहीं आता है, डीजल बंद हो गया है। डीजल अब ये वाले शेप में नहीं आ रही है, पहले आती थी। तो ये गाड़ी है 22 मॉडल, चली कितना? गाड़ी 27,000 किलोमीटर। 22 मॉडल सिर्फ 27,000 चली हुई है, कोई पेंट जॉब हमने कराया? नहीं, इसमें कोई पेंट जॉब नहीं है गाड़ी में। भाइयों को अच्छे से दाम कितने में दे देंगे और वेरिएंट बता दिया ना? ये वेरिएंट स्पोर्ट्स वेरिएंट है गाड़ी का, नई गाड़ी अराउंड 9.5 लाख रुपए के आसपास आती है। ये गाड़ी की फाइनल डील हमारी जो है 6,80,000 रुपए की हो जाएगी। 6,80,000 में आपको ये गाड़ी चमचमाती एकदम शोरूम जैसे ही मिल रही है मेट्रो कार सेल पे। आइए पीछे आते हैं, क्रेटा भी खड़ी हुई है, 0601 गाड़ी, बहुत शानदार है, वाइट कलर की क्रेटा। फर्स्ट ओनर या सेकेंड ओनर या थर्ड ओनर हम लोग कभी रखे हैं? नहीं, बहुत ना के बराबर होती है गाड़ी। ठीक है, क्या डिटेल है? 2019 मॉडल की गाड़ी है, ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट है गाड़ी का, SX ऑप्शनल। SX ऑप्शनल पुश बटन भी आता है गाड़ी में, याले शेप में सनरूफ भी था जी, इसी वेरिएंट में था। हाँ, SX ऑप्शनल में ही आता है सनरूफ। सनरूफ आप लोग ऊपर साइड देख रहे होंगे, गाड़ी शानदार है, सनरूफ इसी वाले वेरिएंट, कई लोग जानते भी नहीं है कि इस वाले वेरिएंट में सनरूफ आया भी है, बट ऊपर देखेंगे सनरूफ भी है। वाइट कलर की गाड़ी है, लड़ी बड़ी नहीं होगी, टायर सब में ऑलमोस्ट नए पड़े हुए हैं। हाँ, ऑलमोस्ट नए पड़े हैं। ठीक है, 2019 मॉडल की SX ऑप्शनल पुश बटन स्टार्ट, और बाकी सारे फीचर रहते ही हैं, हमेशा ह्यूंडई रिच इंटीरियर रखता ही है, मारुति जैसा नहीं रहता। कितने में ये गाड़ी हम लोग दे रहे हैं? चलिए मात्र 44,000 ओरिजिनल डीजल जी, 44,000 चलिए। प्राइस इसका 11.5 की डिमांड है इसकी गाड़ी की, ये 10.5 लाख रुपये की फाइनल में गाड़ी दे दूँगा। 10,50,000 में आपको सनरूफ वाली डीजल दे रहे हैं, सिर्फ 42 से 44,000 बताया ना जी? हाँ, 44,000। अब आ जाते हैं 0030, अपने पास XUV 700 भी खड़ी हुई है, क्या डिटेल है इसकी? ये 2022 मॉडल की गाड़ी है, मात्र 18,000 किलोमीटर चली हुई। सिर्फ 18,000 से? सिर्फ 18,000 चली हुई, एकदम शोरूम जैसी होगी? हाँ बिल्कुल शोरूम जैसी है। ये AX5 वेरियंट है गाड़ी का, पेट्रोल में है, मैनुअल पेट्रोल है, मैनुअल है, AX5 है। गाड़ी देख लीजिए अंदर से कितनी नीट एंड क्लीन है, कि हमने कराई है एज इट इज़ मिली। चली कितना है गाड़ी? 18,000 मतलब। सिर्फ 18,000 चली हुई गाड़ी है, XUV 700। बहुत सारे लोग, ये हमें लगता है सबसे ज़्यादा यही कलर निकलता है XUV।
ब्लू इसका सिग्नेचर कलर, सिग्नेचर कलर कह लीजिए। पेट्रोल में है, AX5 है नई, कितने में आ रही है अभी? हमें लग रहा है नवंबर में फिर रेट महिंद्रा बढ़ा रहा है, हम कितने में ये गाड़ी दे रहे हैं? ये गाड़ी की डिमांड प्राइस मेरी 15.5 लाख रुपए की है, मैं 14.5 लाख रुपए की गाड़ी दे दूंगा। ये RCP ये 21-22 प्लस ही थी, अराउंड ये 20 के आसपास रही होगी। ठीक है, हम लोग दे रहे हैं 14-15-50 की, 14-50 इसमें भी आता है पूरा। X5 में था, X5L में, लग्जरी X5L। तो ये हो गई गाड़ी, इसकी डिटेल। इसके अलावा भाई साहब हर तरीके की गाड़ियों में डील करते हैं, जी है ना? जी हाँ, लग्जरी हो या बेसिक जो सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, रहती सभी हैं। कभी कदार कुछ मिस रहता है, कभी कदार जैसे भी एक गाड़ी कौन सी बता रहे थे आप आने वाली है 2-3 दिन में? किया कार्निवल आने वाली है, किया कार्निवल जिसके पीछे लिखा रहता है लेमोजीन, तो वो गाड़ी भी आने वाली है। अगर आप इन तरीके की गाड़ियों को लेना चाहते हैं तो मेट्रो कार सेल में काशिफ जी के पास आइएगा। इतनी सारी गाड़ियाँ दिखाई हैं, जल्दी से हम लोग को बताएं कि इन गाड़ियों पर फाइनेंस सुविधा है? सब गाड़ियों पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। कहाँ कहाँ के लिए करा रहे हैं? पैन इंडिया, कहीं से भी फाइनेंस कराना चाहें तो मैं करा दूंगा फाइनेंस उसको, बस पेपर कंप्लीट होने चाहिए आपके। पेपर में ITR, 2 साल का ITR, 6 महीने का अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और लाइट बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, ठीक है। ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट होगी फाइनेंसर बता देगा। लोन कितना हो रहा है अभी एक टेंटेटिव आइडिया, करीब करीब 30% मान के चले कि हाँ 30% आप डाउन पेमेंट दे दें, बाकी लोन करा देंगे, बाकी लोन करा देंगे। एग्जैक्ट लोकेशन और कॉल टाइमिंग? कॉल टाइमिंग 10 से हमको 7 बजे तक के कभी भी कॉल कर सकते हैं आप हमको। मेरी जो लोकेशन है ये बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में है। किसी दिन ऑफ है? ऑफ किसी दिन नहीं है, केवल बड़े त्यौहार छोड़ के, त्यौहार वाले दिन छोड़ के, बाकी हर दिन सेवा में आज ही रहे, खड़े हुए थे मेट्रो कार सेल में। काशिफ जी मिलते हैं ऐसे बड़े स्पेशलिस्ट के साथ, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, फैमिली का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए, धन्यवाद।